हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम वेनसडे गर्ल का फेस का ये वाला हिस्सा ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले फ़ोटो को अपने हिसाब से जूम कर लेंगे और फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे। अपने हिसाब से जूम करने के बाद में सबसे पहले मैंने इस पर शेडिंग के लिए चारकोल की हार्ड वाली पेंसिल का यूज़ किया है। इसमें लो प्रेशर से फर्स्ट लेयर अप्लाई करेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि पूरी वीडियो समझ में आ सके। फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद इसे ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर देंगे। इसे भी लो प्रेशर से ब्लेंड करना होता है। फिर चारकोल हार्ड पेंसिल को फिर से अप्लाई करेंगे। फिर इस डार्क एरिया को और डार्क करने के लिए मैंने फिर से हार्ड वाली पेंसिल का यूज़ किया है और इसे फिर से लो प्रेशर से ही अप्लाई किया है। जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पर पेंसिल को थोड़े हार्ड प्रेशर से यूज़ करते हैं, जहाँ पर लाइट एरियाज है वहाँ पर लाइट हैंड से। मैंने इस फ़ोटो को बनाने में काफ़ी टाइम दिया है तभी ये फ़ोटो इतनी रियलिस्टिक से बन रही है। अगर आप भी ये फ़ोटो को ड्रॉ कर रहे हो तो बिल्कुल पेशेंस के साथ ये फ़ोटो ड्रॉ करना और कोई भी जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी में गलती होगी। यहाँ फिर से सॉफ्ट वाली पेंसिल से बिल्कुल लाइट हैंड से शेड करना है। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसे हाईलाइट देने के लिए मैंने पेंसिल रबर का यूज़ किया है, जिसमें जहाँ जहाँ पर हाईलाइट्स है वहाँ को इरेज कर दिया है, जिससे लिप्स एकदम रियलिस्टिक से लग रहे हैं। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही शेड कर देंगे। ये मीडियम चारकोल पेंसिल है, इसे भी लाइट हैंड से ड्रॉ करेंगे। फेस इस साइड से कुछ ज़्यादा ही लाइट है तो मैंने इसके लिए मैकेनिकल पेंसिल से शेड किया है ताकि फ़ोटो ज़्यादा डार्क ना हो, और इससे भी ब्लेंडिंग सिस्टम से ब्लेंड कर दिया।
ब्लेंड करने के बाद फिर से रबर से इसे हाईलाइट दे देंगे, और जो फेस पर डार्क स्पॉट्स है जिसे मीडियम चारकोल पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया है ताकि फ़ोटो एकदम रियलिस्टिक सी लगे, और फाइनल रिजल्ट देखो आप। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी फेस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह फेस आपको कैसा लगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।